उमा मैडम ये क्या है? किसने किया आपके साथ ये? मुझे मार डालेगा। मार डालेगा आपको। प्लीज बताइए मैडम, कुछ बताइए, किसने किया ये सब? अरे मेरा पति, वो मुझे मार डालेगा। क्या सीनियर इंस्पेक्टर दिवाकर शिंदे ने? कार्रवाई शुरू की जाए। Your Honor, मेरी क्लाइंट पुलिस सब इंस्पेक्टर मिसेस उमा शिंदे अपने पति सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दिवाकर शिंदे से तलाक लेने का फैसला किया है। शादी के 2 साल इस आदमी की मार गालियां अत्याचार सह चुकी है मेरी क्लाइंट, अब बस। Your Honor, जिस आदमी को हमने अपनी हिफाजत अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में इतना बड़ा दर्जा दिया, वही इंसान अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से। योना सानिया जी मेरे 1 मिनट सत्यम साहब, अब तुम मेरा नाम सही से लीजिए, बहुत समय हो गया। शाइना, शाइना, योना, शाइना जी मेरे क्लाइंट पर बेसलेस एलिगेशंस लगा रही है। अच्छा, तो क्या ये बात भी बेसलेस है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश पाटकर पिछले 2 दिनों से लापता है, गायब? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। शाइना जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योना। Your Honor, सुरेश पाटकर आज यहाँ कोर्ट में खड़े होकर मिस्टर दिवाकर की सारी काली करतूतों का खुलासा कर देते, लेकिन as predictable, इन्होंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके उस बेचारे को पता नहीं कहाँ कैद करके रखा हुआ है। Your Honor, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बीच में मत बोलिए, आपको मौका दिया जाएगा। मिसेस उमा, प्लीज कोर्ट को बताइए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। जी Your Honor, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, उसके बाद मेरे मामा मामी ने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकूं। मेरे सर्विस के दौरान ही मेरी मुलाकात दिवाकर से हुई। सर, एसीबी सर की एनिवर्सरी पार्टी बहुत शानदार थी ना? आई नो, बहुत मजा आया। हेलो, गुड इवनिंग सर। दैट्स ओके, वी आर डीज, ये प्रोफेशनल कर्टेसी ड्यूटी के लिए छोड़ दो, यहाँ हम सब एक हैं, am I right? Yeah. Sure, sir. सर नहीं, दिवाकर। अरे तुम बोल सकती हो दिवाकर जी, दिवाकर सर। Anyway, good night. Good night. उमा मैडम। हाँ? तो दिवाकर सर ने आपको फोन नंबर लेने के लिए बोला। अब कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हेलो इंस्पेक्टर दिवाकर सर। अरे बोला था ना ये सर वर सिर्फ पुलिस स्टेशन, फिलहाल तुम एक काम करो अपनी बालकनी में आओ। आप? हाँ आप। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए आया। क्या करूँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अभी तो तुम अपने सीनियर को मना करोगे? सर सीरियसली मुझे बहुत काम है। गुड नाइट सर, बाय।
भनवर लौकर। सर, सर आप? कल रात तो तुमने मुझे मना कर दिया, लेकिन अभी मना मत करना, तुम्हें अभी मेरे साथ आना पड़ेगा। सर फिलहाल तो मैं ड्यूटी पर हूँ। Come on, ये ड्यूटी राउंड्स होते रहेंगे, फिलहाल हम कॉफी पीने चल रहे हैं। I'm sorry sir, पर मेरे लिए ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं तुम्हें शाम में पिक करता हूँ। ऑलराइट? बस सर। और ऐसे हमारा रिश्ता शुरू हुआ। देखते देखते हम रोज मिलने लगे और बातें करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे। फिर एक दिन से भी इतनी सारी शॉपिंग कराने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो जाके वापस कराता हूँ। अरे हर बात पे क्यों गुस्सा होते रहते हो? मेरा मतलब है कि इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या? ए, दिखता नहीं क्या? दिबाकर उसकी गलती नहीं थी। बात कर रहा हूँ, नहीं देता क्या? ये क्या दादागिरी है? दादागिरी? पहले लड़की को छेड़ता है, फिर बोलता है दादागिरी है। तेरी हिम्मत कैसे उसे छेड़ने की? बनता है वो कौन? हाँ छोड़ो, मेरे को छोड़ दूंगा। लड़की को छेड़ता है? तूने क्या छेड़ा तूने? मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि इस आदमी में कितना गुस्सा भरा पड़ा है। इससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। योर ऑनर, ये सरासर झूठ। हाँ, उस दिन उस आदमी ने बदतमीजी की, उसके बावजूद भी मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा। इतनी बेरहमी से नहीं जितना ये बता रही है। दिबाकर जी, जब उमा जी को कोई परेशानी नहीं थी उसकी बदतमीजी से या उस आदमी से, तो आपको क्या जरूरत थी उस आदमी को थप्पड़ भी मारने की? I object, Your Honor. Objection sustained. Thank you, Your Honor. उमा जी, प्लीज बताइए कि आगे क्या हुआ। Your Honor, उस दिन के बाद से मैंने इससे बात करना बंद कर दिया। दरवाजा कैसे खुला है? कौन है? ये नाम भी नहीं लिख रहा है, कहीं दिबाकर? सुरेश, बाहर क्या कर रहे हो? आप दिबाकर सर का फोन नहीं उठा रही हैं। जानती हैं कितने परेशान हैं? मुझे उनसे बात नहीं करनी। मैडम, सर एक बहुत अच्छे इंसान है, कितना पसंद करते हैं वो आपको। मेरी बात मानिए, एक बार जाकर उनसे मिल तो लीजिए। ओके, कहाँ मिलना है? वो अपने घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। दिबाकर? उमा, मुझे पता है तुम आओगी। आओ आओ उमा। देखो दिबाकर, ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उमा, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। उमा, तुम्हें भी ऐसा लगता है? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं,
एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। शादी? क्या बोल रहे हो दिबाकर, शादी कहाँ से आ गई? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उमा प्लीज प्लीज, देखो उमा, उमा मना मत करना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। पागल थी मैं जो उसकी बातों में आ गई, सोचा भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। योर ऑनर, कुछ भी बकवास की जा रही, मैं आपको बताता हूं असलियत में क्या हुआ था। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए सीरियस हो या नहीं। What nonsense हुआ, क्या बकवास कर रही हो? जवाब दे मेरी बात, मैं हाथ काट लूंगी। ओके, मैं हूं तुम्हारे लिए सीरियस। ओके, अब नीचे रखो इसे। शादी करोगे? क्या उससे शादी करोगे या नहीं? जल्दी बोलो वरना मैं हाथ काट। ओके ओके, मैं करूंगा तुमसे शादी। मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। योर ऑनर, अब मैं क्या करता? उमा के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं उसे शादी करने को तैयार हो गया। अच्छा, और जो सुहागरात वाले दिन हुआ उसमें भी मेरी भलाई थी? क्या हुआ था सुहागरात वाले दिन में सुमा? खूबसूरत लग रही हो, और इतनी खूबसूरत लग रही हो, मैंने सोचा तुम्हारे लिए तोहफा भी लेते हैं। ये क्या है? ये तुम्हारी नई पोस्टिंग का लेटर है मेरी ब्रांच में। आज के बाद हम दोनों साथ में काम करेंगे एक ही जगह पर। लेकिन दिबाकर, मेरा प्रमोशन होने वाला है और अब मैंने ये ट्रांसफर लिया तो। प्रमोशन? तो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रमोशन की फिक्र? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन उमा, तो तुम क्या नहीं चाहती कि हम 24 घंटे एक दूसरे के सामने रहें? चाहती हो ना? हाँ, चाहती हो ना? चाहती हो, तुम भी यही चाहती हो ना? मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, तुम भी यही चाहती हो। चाहती हो ना? बोलो, अपने मुंह से बोलो, बोलो बोलो, हाँ मैं चाहती हूँ, बोलो बोलो, चाहती हूँ ना? हाँ, मुझे पता था तुम मान जाओगी। ठीक से याद करके बताइए कि क्या क्या हुआ था। मेरी बाइक फिसल गई और वो वैन आई। आपका मतलब है वैन? जी। आपने वैन का कलर देखा था? रेड कलर की थी। डालता है तू जानता है मेरी बीवी से।
इतनी हिम्मत कैसे हुई बीवी को देखने की? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दिबाकर के गुस्से को काबू कर पाऊं, उसे खुश रख पाऊं। उमा, उमा, उमा। पुलिस स्टेशन से इतनी जल्दी क्यों निकल गई? सोचा कि अपने पति के लिए हलवा बनाया जाए। संदेना आपको? क्या बकवास है ये? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो देखो खिड़किया खुली हुई है। ये किस तरह कपड़े पहने, किसको रिझाने की कोशिश कर रही हो? शर्म औरत, पड़ोसी दिखेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी हर बात से उसे नफरत होने लगी और उसके बाद सब गड़बड़ होता गया। इतनी रात को तुझे देर से घर आते हुए शर्म नहीं आई? अरे तुझे अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ख्याल तो रख। डॉक्टर, मैंने बोला था ना कि मुझे काम है। अच्छा, आगे से पक्का देर से नहीं आऊंगी। चुप, तुझे सबक सिखाना ही होगा। रुकिए रुकिए, तुम ऐसे नहीं मानो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, अपनी हिफाजत करना मुझे आता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बीवी थी और ये मेरा फर्ज था कि मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए जो कुछ हो सके करूं। इसीलिए मैं चुपचाप सहती रही। दिबाकर पुलिस स्टेशन में मुजरिमों को मारता और घर पर मुझे। I object, Your Honor. Your Honor, उमा जी झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। She is acting like a trained actress. जी हाँ Your Honor, मेरे क्लाइंट और इनके बीच में झगड़े होते थे, लेकिन उनकी वजह कुछ और थी। Mr. दिबाकर, आइए ऑनरेबल कोर्ट को, क्या वजह? योर ऑनर, उमा ने खुद मुझे बार बार बोला कि उसे मेरी ब्रांच में ट्रांसफर चाहिए। इतनी कोशिशों के बाद मैंने उसका ट्रांसफर भी करवाया और फिर उसके बाद एक दिन। अरे मैडम, रख लीजिए, आज हम आपके काम आ जाएंगे, फिर कभी आप हमारे काम आ जाएंगे। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? योर ऑनर, मैं अपनी ब्रांच में रिश्वत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उमा को पता नहीं क्या हो गया था। रोज हमारे घर में नया नया सामान आ रहा था, कभी नई अलमीरा, कभी फ्रिज, कभी माइक्रोवेव, कभी कभी गहने, कभी हर तरह की महंगी चीज। योर ऑनर, मेरा शक बढ़ता गया लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने इनसे लड़ाई की, माना, इन पर शक किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हाथ नहीं उठाया। योर ऑनर, आपको सबूत चाहिए ना?
मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। Order, order. Silence, please. Are you okay? Your Honor, मेरी क्लाइंट ने बहुत देख लिया, बहुत सह लिया। मुझे लगता है कि अब सिर्फ तलाक से काम नहीं चलेगा। हमें सेटलमेंट चाहिए। It's fair कि दिवाकर जी की आधी प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तौर पर मेरी क्लाइंट को दी जाए। अगली सुनवाई 40 दिन बाद होगी। The court is adjourned. दिवाकर, बहुत जल्द तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तो जेल के लायक ही नहीं। सीनियर इंस्पेक्टर दिवाकर है। एसीपी विनोद नायक ही यार। सर, मैं सोच रहा था कि ये कोर्ट केस, ये मीडिया, इतना झमेला, क्यों ना तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, थोड़ा सा आराम करो। लेकिन सर मैं बिल्कुल, थोड़ा आराम करो, फिर कुछ हफ्तों बाद काम पर वापस आ जाना, ठीक है? सर, योना, अभी तक हमने इस कहानी का एक पहलू देखा, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है जो ये साबित कर देगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर दिवाकर बेकसूर है। यस मिस्टर दिवाकर। योर ऑनर, जैसे आप जानते हैं कि मैं और मेरी पत्नी एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं इसे क्या हो गया, ये ऑफिस जल्दी जाने लगी और रात में ऑफिस से देर से लौटती थी। इसने अपनी शिफ्ट भी अलग कर ली। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद सच में इसे कोई बहुत जरूरी काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर एक दिन उमा, मैं घर निकल रहा हूं, तुम चल रही हो? नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। Thank you.
सुमा आगे तुम। कहाँ थी इतनी देर? बताया तो था कि काफी काम बाकी था। यू मीन तुम अभी तक पुलिस स्टेशन में थी? बट हो सकता है कि वो नहीं। सुरेश, मुझे पूरा यकीन है कि उसका अफेयर चल रहा है। मैंने उसके हाथ में मेंस वेयर के कपड़े वाले बैग देखे थे। जब वो घर लौटी, उसके हाथ में वो बैग नहीं थे। नहीं, ये भाकर, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर सकते हो। योर ऑनर, सच तो ये है कि ये इंसान शक की वजह से इतना पागल हो गया है, इतना बेरहम हो गया है कि इतना मारा मुझे। और एक दिन तो सारी हदें पार कर। कहाँ थी इतनी देर तक? अगर मैंने बोला था ना कि मुझे ऑफिस में काम है, तुम चाहो तो सुरेश से पूछ लो, उसी ने मुझे ड्रॉप किया। क्या काम था? क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनू। दिवाकर, क्या हो गया है तुम्हें? इतने शक्की क्यों हो गए हो? एक तो घर देर से आती हो, उस पर सवाल लगाती हो। दिखाता हूं तुम्हें अभी। दिवाकर, दिवाकर, क्या कर रहे हो? दिवाकर, क्या कर रहे हो ये? मैं तो पूछ रही हूँ तुमसे, ये क्या कर रहे हो? दिन के बाद से इसने सुरेश को मेरी पहरेदारी के लिए घर के बाहर लगा दिया, ताकि मैं कहीं ना आ सकूं, ना जा सकूं, ना किसी से मिल सकूं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने जान लेने की ठानी। मैम साहब, ये छोड़ो मुझे, ये और क्या करें, छोड़ो मुझे। मैम साहब, मुझे नहीं लेना। मैम साहब कितना गुंडी तरीके से कुटाया। Your Honor, मैं मिसेस उमा की मेड रमा को कटघर में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। You may proceed. रमा, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि जब आप उमा जी के यहाँ काम करती थी तो आपने क्या देखा? मैं क्या बताऊँ आपको, इस आदमी को तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत मारता था ये दीदी को, और कई बार तो मैंने खुद उनकी चोट पर दवाई लगाई है। What nonsense? कौन है ये औरत? Your Honor, इस औरत को मैंने आज तक कभी अपने घर के अंदर नहीं देखा, और रही सुरेश की बात, उसे मैंने कभी अपने घर में पहले जाने के लिए नहीं बुलाया। डिफेंस ने अभी तक कोर्ट के सामने ना कोई सबूत
ना कोई गवाह पेश किया। अगली सुनवाई 30 दिन बाद होगी और तब तक अगर आपने कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया तो मजबूरन कोर्ट को आपके खिलाफ फैसला सुनाना होगा। The court is adjourned. कब तक कोर्ट को बेवकूफ बनाती रहोगी? कभी ना कभी सच सामने आकर ही रहेगा। इसे कैसे हो सकता है कि एक महिला ने 2 महीने तुम्हारे घर पर काम किया और तुमने उसे कभी देखा भी नहीं? इसमें जरूर उमा की कोई चाल है। मेरा यकीन कीजिए मिस्टर सत्य, मैं सच कह रहा हूं। सौरभ को अच्छी तरह जानता हूं। डेफिनेटली कोई बड़ी प्लानिंग की है। और क्या करें दिवाकर, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और सुरेश का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट अगर ये हमें एक बार मिल जाता तो कम से कम हम लोग जो है। एक मिनट मिस्टर सत्यम, कोर्टरूम में उमा ने कहा कि सुरेश 24 घंटे मेरे घर पर नजर रखता है, राइट? राइट। लेकिन वो तो रोज मेरी नजरों के सामने होता है, आई मीन पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है। मतलब उमा ये जानती है सुरेश कभी मिलने वाला नहीं, या तो उमा ने सुरेश को मार दिया है, या दोनों के दोनों मिले हुए हैं। योना, पिछली हियरिंग में आपने कहा था कि बिना सबूतों और गवाहों के मेरे क्लाइंट ये केस हार जाएंगे। आज मैं ऑनरेबल कोर्ट में एक नहीं दो दो गवाह पेश करने जा रहा हूं। योना, मैं विटनेस बॉक्स में उमा जी की मेड रमा को, रमा जी क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगे कि क्या कभी आपने मेरे क्लाइंट मिस्टर दिवाकर को अपनी बीवी को मारते हुए देखा? मैं कितनी बार बोलूं आपको कि मैंने खुद दीदी की चोट पर दवाई लगाई है। हाँ जी जी जी, आपने बताया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि उमा जी ने कहा था कि दिवाकर घर से ऑफिस जब चले जाते थे तब आप घर में दाखिल होती थी क्योंकि आपके पास घर की चाबी होती थी, राइट? जी जी जी। तो जब आप दोनों यानी मेरे क्लाइंट दिवाकर और आप एक समय पर घर के अंदर नहीं होते थे तो आपने कैसे मेरे क्लाइंट को उनकी बीवी को मारते हुए देखा? वो मुझे लगा कि और आपको लगा आपके लगने की वजह से मेरे क्लाइंट की नौकरी जा सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? उसकी रेपुटेशन जा सकती है, उसे जेल में जाना पड़ सकता है और आपको सिर्फ लगा। एक बात और बताइए, उमा जी ने कहा था कि एएसआई सुरेश पाटकर उनके घर के बाहर पहरेदारी करता था, तो आपका तो उमा जी के घर रोज का आना जाना था, क्या कभी आपने उनको देखा? नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन योर ऑनर, इस सब से कुछ भी साबित नहीं होता। यू आर राइट मैडम, साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने दूसरे गवाह को जो इस केस को योर ऑनर यही सुलझा देगा। मिस्टर सुरेश पाटकर।
कहूं तो पिछली हेयरिंग के बाद मुझे भी अपने क्लाइंट मिस्टर दिवाकर पर शक हुआ था, लेकिन जब इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तब मैंने अपने असिस्टेंट को चुपके से पहरेदारी के लिए बिठा दिया। तो बहुत आसान था योर ऑनर, हमने कॉल ट्रेस की और हमारे हाथ लगे ये मिस्टर सुरेश पाटकर। जैसा कि मैडम सानिया ने मैडम शाइना ने बताया था, इस केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह। अब तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने राज से पर्दा उठा दीजिए, खुलासा कीजिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने। योना, उमा जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने दिवाकर सर से इसीलिए शादी की क्योंकि उन्हें लगा कि एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते वो तो कई लाखों में कमाते होंगे, और इसी लालच में उन्होंने दिवाकर सर के साथ शादी की। पर जब पता चला कि दिवाकर सर एक सच्चे और शरीफ पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनके सारे सपने टूट गए। और तो और, दिवाकर सर ने उन्हें भी रिश्वत लेने से रोक दिया। और तब जाके मुझे बताया आप क्यों दुखी। यहाँ तो ऐसे ही चलता है, दिवाकर सर ना किसी को खाने देते और ना खिलाने देते। पेन भी ना, नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, तो कभी ना कभी किसी को तो पता चल ही जाएगा। चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है, एक प्लान है मेरे पास। उमा जी ने कहा था कि दिवाकर सर के पूर्वजों की करोड़ों की जमीन है और वो सब दिवाकर सर के नाम से। उन्होंने कहा कि एक बार डिवोर्स हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। बस फिर क्या था, उन्होंने दिवाकर सर को एक खराब अब्यूजिव और बेरहम पति साबित करने के लिए क्या क्या ढोंग नहीं रचा है। क्या देख रहे हो, चलाओ। उन्होंने भाई के सामने आत्महत्या का नाटक भी रचा।
जिससे कि वो कोर्ट में आके दिवाकर सर के खिलाफ गवाही दे सके। उमा जी ने तो काम पे जाना भी बंद कर दिया था, जिससे कि सबको ये लगे कि दिवाकर सर ने उन्हें घर में कैद करके रखा है। फिर जब केस शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी लॉन्च में छुपने के लिए बोल दिया, ताकि सबको ये लगे कि अपना जुर्म छुपाने के लिए दिवाकर सर ने मुझे अगवा कर लिया। मिसेज उमा शिंदे को कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए और अपने पति पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए 30,000 रुपए जुर्माना भरने और 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही सुरेश पाटकर को उसकी पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और इस साजिश में उमा शिंदे का साथ देने के लिए उस पर कार्यवाही शुरू की गई। वहीं दिवाकर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी औरत का केस लड़ा, तुम पे विश्वास किया। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती, और तुम? It's a shame. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.